नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस में बीएमसी ने छापा मारा है। कंगना ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। कंगना ने पहले अपने ऑफिस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ये मुंबई में मणिकर्ण का फिल्म का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के लोग आए। कंगना ने फिर दूसरा वीडियो शेयर किया जिसमें बीएमसी के लोग कंगना के ऑफिस में सब कुछ नाप रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, वे जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। जब मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो उन्हें भी परेशान किया गया। अधिकारियों की भाषा कुछ इस तरह की थी, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे सूचित किया गया कि कल मेरी संपत्ति का ध्वस्त कर रहे हैं। कंगना ने तीसरा ट्वीट किया, मेरे पास सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन भी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। बीएमसी को स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए जो दिखाने के लिए कि कहां गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी नोटिस के साथ। लेकिन उन्होंने आज मेरे ऑफिस पर रेड मारी बिना किसी नोटिस के और कल वह सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।